नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। INT टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। वक्फ बोर्ड के CEO शाहनवाज कासिम ने आज नामपल्ली में अनिसुल गुरबा की इमारत की तामीर के काम का मायना किया। उन्होंने कंट्रैक्टर से काम से मुतालिक कुछ सवालात भी किए और जरूरी हिदायत दिए। उन्होंने कहा कि तामीर का काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल हो जाना चाहिए। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के अहदेदार भी उनके हमराह थे। दो जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तहत प्रोजेक्ट टेकल है उसका दौरा किया और जायज़ा लिया। एक तो अनिसुल गुरबा में गए, वहाँ का जो प्रोजेक्ट है उसका RLB ऑफिशियल्स और हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ हमने जायज़ा लिया कि काम का क्या रेट है, कितना प्रोग्रेस है, कब तक कम्प्लीट हो जाएगा, क्या क्या दिक्कतें हैं। तो एक बहुत मुतमईन सा दौरा रहा और इसमें हम लोग जो है जो लेवल तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे काम चल रहा है। अनिसुल गुरबा का ऑलमोस्ट काम कम्प्लीट है। इसमें अकॉस्टिक्स और लाइटनिंग सिस्टम जो लास्ट स्टेज के काम होते हैं लिफ्ट का वो है इंशाल्लाह, मतलब कि टाइम्स वो पूरा हो जाएगा। और RLB डिपार्टमेंट ने भी जामिया सेटिस्फेक्शन जाहिर किया कि टाइम से हो जाएगा। हमने भी देखा बहुत हद तक काम इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। सर, ये अनिसुल गुरबा को हर साल में यानी कि रमज़ान में जो चंदा वगैरह आता है तो लोग इसाले सवाब के लिए देते हैं, तो उसका अभी सिलसिला जारी है या टूट चुका है? ये मैं देखता हूँ, फर्स्ट मैं विजिट किया हूँ काम की वजह से। आज जो यहाँ पे जो अनिसुल गुरबा का जो स्ट्रक्चर आने वाला है 20 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, उसका जायज़ा लिया हूँ। तो ये भी जो हमने कहा है कि एक वर्क शेड्यूल देने के लिए कि नेक्स्ट ईयर अगस्त 2019 तक इसको कंप्लीट करना है तो क्या क्या स्टेजेस में कंप्लीट होंगे, फर्स्ट फ्लोर कब होगा, सेकंड फ्लोर, इस तरह का जो उनका अपना लैंडमार्क्स रहता है। तो RNB ऑफिसर्स ने जाहिर किया कि एक हफ्ते के अंदर वो दे देंगे, उस हिसाब से हम फर्दर विजिट करते रहेंगे। तो यहाँ भी काम शुरू हो गया है और जो भी मतलब कि दिक्कतें आएंगी वो हम मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता देख के इसको कंप्लीट करेंगे। काम शुरू हुआ है फसल से, यहाँ भी मुतमईन तरीके से काम होगा और टाइम शेड्यूल में ही हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।